तो हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और आपको यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब टेम्पलेट फॉर HD फाइल। तो आप जब सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट शो होंगे। तो आप जब स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पलेट शो होंगे। तो हम सीधा यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इमेज पर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी अच्छे अच्छे टेम्पलेट शो होंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगे उस पर आप प्रेस करके रखें तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और फिर आप उसे डाउनलोड कर ले क्लिक करके इस ऑप्शन पे। और फिर ये हो जाने के बाद अब हम चलते हैं सीधे पिक्सल लैब को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और इमेज साइज पे आना है, और उसके बाद यूट्यूब चैनल बैनर पर क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करें और इस टेक्स्ट को हम कर लेते हैं डिलीट, और आपने जो भी डाउनलोड करके रखा था प्लस वाला आइकन पे क्लिक करें, आपका फ़ोन में सेव होगा तो वहाँ पे आपको शो करेगा। तो हम इसे कर लेते हैं ऐड, और इसका जो साइज़ है वो 9:16 है। और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस सर्कल वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपको रिलेटिव साइज में क्लिक करना है, और ये जो हाइट वेट है आपको इसे हाइट को 100 कर ले तो ये अपना साइज में आ जाएगा। और आ जाने के बाद आपको फिर से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर दे तो ये अपना साइज में परफेक्ट सेव हो गया। तो अभी से आप लॉक कर लेंगे, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन में तो आपको यहाँ पे आ जाएगा लॉक का ऑप्शन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा लॉक, फिर वापस से आप उसी पर क्लिक करें तो ये लॉक का ऑप्शन हट जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ या कुछ टेक्स्ट को। तो हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के लिए ऐड करके दिखा देता हूँ। तो मैं अपने एक फ़ोटो को यहाँ पे ऐड करता हूँ, और एक ख़ास बात आपको यहाँ में ध्यान रखने वाला बात है कि आप जब भी अपने टेक्स्ट को या फ़ोटो को कुछ भी ऐड करेंगे तो आपको दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा छोड़ना होगा, तभी आपका यूट्यूब चैनल का जो बैनर का ऑप्शन होता है वहाँ पर अच्छी तरह से सेट होगा। तो आपको यहाँ में थोड़ा थोड़ा दोनों साइड में छोड़ देना है। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो रेड वाला लाइन आपको इस हिसाब से दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा छोड़ दे, और फिर इसके अंदर ही आपको जो भी ऐड करना है टेक्स्ट लिखना है तो उसके अंदर में ही करें, तो आपका जो ये साइज है उसका सही साइज में आपका सेव होगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये बात को ध्यान रखें कि आपको दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा छोड़ना होगा। तो दोस्तों, और फिर उसके बाद आप जब सेव करेंगे तो आपको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि आप इसे जब भी सेव करें तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है और PNG फाइल में इसे सेलेक्ट करें, और फिर उसके बाद आपको इस ऑप्शन पे आना है कस्टम वाला, और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अल्ट्रा का ऑप्शन मिलेगा। तो आपका जो ये बैनर का होगा साइज शायद 2 MB हो सकता है, और वेरी हाई में उससे कम, और हाई में उससे कम, मीडियम में उससे कम, और लो में उससे कम। अगर आप इससे भी ज़्यादा MB में सेव करना चाहते हैं 2-3 MB में, तो आपको यहाँ में जो 2560 दिख रहा है 5120, और यहाँ में आपको 2880, तो इससे जो है उसका साइज डबल हो जाएगा, 2 MB से 4 MB हो जाएगा। तो आप इस तरह से करके सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।